हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो है व्यू का 55 इंच का टीवी, जिसमें प्रॉब्लम है वर्टिकल बार्स आ रही है। देख लेते हैं इस फॉल्ट को हम कैसे रिपेयर करेंगे। LG में यूज़ होने वाले गेट सिग्नल्स कुछ इस प्रकार से होते हैं, LC1 और LC2। ये ऑड और इवन नंबर ऑफ लाइंस को स्कैन करती है। इसमें -5 और +27 वोल्ट की स्विच होनी चाहिए दोनों ही LC1 और LC2 पॉइंट्स पे अलग अलग टाइम पर। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं -6 वोल्ट पे ये फिक्स है, इसमें 27 वोल्ट नहीं हो रहा है और ना ही स्विच हो रहा है। देख लेते हैं इस फॉल्ट की मेन वजह क्या है। दोनों साइड की FFC केबल को हम डिसकनेक्ट कर देंगे पहले, ठीक है, और दोनों वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं। अभी FFC केबल दोनों साइड की हमने निकाल दी है, तो यहाँ पे क्या वोल्टेज शो कर रहा है, 24-10, 24-10, और दूसरी LC1 में -10, 24, -10, 24। अब हमें चेक करना है FFC केबल एक एक कनेक्ट करके। अभी हम पहले लेफ्ट साइड का लगा लेते हैं, राइट साइड का हमने निकाल के रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट केबल हमने लगा दी और राइट साइड की केबल निकाल दी है। और दोबारा से हम चेक करेंगे दोनों वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ता है लेफ्ट साइड की केबल लगाने के बाद, और देखते हैं दोनों वोल्टेज में क्या फ़र्क पड़ा है लेफ्ट साइड की केबल लगाने के बाद। तो यहाँ आप देख सकते हैं -10 और 24 एस इट इज़ नॉर्मल है अभी, और हमें दूसरी पॉइंट पे भी देखना है 24-10 24-10। सो यहाँ पे दोनों वोल्टेज कंप्लीट है लेफ्ट साइड की केबल को लगाने के बाद। अब हम राइट साइड की केबल को भी कनेक्ट कर लेते हैं। टीवी को ऑफ करके करना है ये सारा काम। ये मैंने राइट साइड की केबल लगा दी और दोबारा से हम चेक करेंगे ये, और हम चेक कर रहे हैं LC1 LC2 पे क्या फ़र्क आ रहा है। सो यहाँ पे राइट साइड की केबल जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये वोल्टेज जो है -6 वोल्ट पे स्थिर हो जाता है, और इसमें जो स्विच हो रहा था -10 और 24 वोल्ट वो नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे ये दोनों ही टेस्ट पॉइंट पे वोल्टेज एक समान रहते हैं आफ्टर कनेक्टिंग राइट साइड FFC, मतलब इस डिपार्टमेंट में अभी फॉल्ट है। अभी हम पैनल ओपन करके देखते हैं कोई बर्न हमें मार्क दिख जाता है। इसमें हमने देखा कोई कॉप चली हुई दिखी नहीं हमें। इसमें ग्लास के अंदर ऑड और इवन जा रहे हैं वो पॉइंट शॉर्ट हैं। वो देख लेते हैं कौन सी गेट लाइन के साथ शॉर्ट है। पैनल को बैकलाइट टेबल पे चेक करने के लिए हमने 4K कन्वर्टर और यूनिवर्सल बोर्ड से कनेक्शन दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्टिकल बार्स दिख रहे हैं। मैं बताया था आपको दोनों केबल में से ये वाली केबल हम जब निकालते हैं तो आधी पिक्चर बनती है, लेकिन उसमें लाइनिंग दिखती है, ठीक है। वोल्टेज जो 27 और -9 स्वैप होने चाहिए वो भी आ जाते हैं इस केबल के लगे हुए रहने से और ये केबल निकालने से। यहाँ पे टेस्ट पॉइंट्स की मार्किंग है HC1 HC2 HC3 HC4 HC5 HC6 HC7 HC8। अभी इन जोड़ियों के बीच में हमें रेजिस्टेंस चेक करना है। सबसे पहले हम HC1 और HC2 के बीच में चेक कर रहे हैं। यहाँ पे कोई रीडिंग ऐसे मेगा ओम्स की रीडिंग बता रही है वो ठीक है, लेकिन शॉर्ट रीडिंग जो हार्ड शॉर्टिंग होती है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में शॉर्टिंग नहीं है। मैं अभी 20 मेगा ओम्स की रेंज में चेक करके बता रहा हूँ आपको। यहाँ 18 मेगा ओम्स, देखो ये डिस्चार्ज बता रहा है कैपेसिटर का, अंदर जो PF लगा होता है उसमें डिस्चार्ज होता है। यहाँ HC5 और HC6 के बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिस्चार्ज रीडिंग आ रही है, ठीक है, मेगा ओम्स में है। और लास्ट वाला HC7 और HC8 के बीच में कोई हार्ड शॉर्टिंग अभी हमें मिली नहीं है। अब हम HC1 और HC3 के बीच में देखेंगे क्या बता रहा है। यहाँ 0 बता रहा है, ठीक है, मतलब शॉर्टिंग है। पर रेंज जो रखी है 200 ओम्स की है, कितना बता रहा है, HC1 और HC3 के बीच में 58 ओम्स की रीडिंग बता रहा है। दैट मीन्स HC1 और HC3 आपस में शॉर्ट है ग्लास में जाके, ठीक है।
अभी हम रजिस्टर जो निकाल रहे हैं थर्ड वाला निकाल रहे हैं और चेक करेंगे कि इसमें क्या डिस्प्ले बनती है इसके बाद। ओके, हमने थर्ड रजिस्टर निकाल दिया, चेक कर रहे हैं दोनों के बीच में क्या रेजिस्टेंस बता रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 ओम्स की रीडिंग हमें मिल रही है और यहाँ से ठीक हो चुका है। हमने अभी जो सॉर्टिंग है वो रिमूव कर दी है HC3 की जंपर को निकाल कर। HC3 का जंपर निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि पिक्चर तो बन चुकी है लेकिन इसमें कुछ लाइंस हैं और गैप दिख रही है सिग्नल लाइंस की, और ये गैप की वजह से पिक्चर में क्लैरिटी सही नहीं है। तो अभी हम शॉर्ट किलिंग का यूज़ करके HC1 और HC3 के बीच की सॉर्टिंग को रिमूव करेंगे। शॉर्ट किल करने के लिए हम 31 वोल्ट और 10 एम्पियर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आउटपुट हमने 10 एम्पियर दिया हुआ है 31 वोल्ट पे। आउटपुट कनेक्ट कर देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में शॉर्टिंग थी, अब हम शॉर्ट किल करके देख लेते हैं। अगर जो शॉर्ट किल करने पर अब एम्पियर बंद हो जाता है तो ये हो जाएगा कि यहाँ पर हमने शॉर्ट किल कर दिया है। ठीक है, 3 से 4 स्पार्क हम देंगे HC1 और HC3 के बीच में। अब हम चेक कर लेते हैं जो HC1 और HC3 के बीच में शॉर्टिंग थी वो रिमूव हो गई है या नहीं देखना है हमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने उसे रिमूव कर दिया है। ठीक है, और ये जो शॉर्टिंग थी रिमूव हो गई है। तो अभी हम रजिस्टर लगा लेते हैं और चेक करते हैं इसमें डिस्प्ले बनती है। अभी टीवी ऑन करके देख लेते हैं। अभी हमने जो काम किया था आप देख सकते हैं सभी रेजिस्टेंस हमने लगा दिए। डिस्प्ले की क्वालिटी देख लेते हैं क्या है। इसमें कुछ लाइंस हैं जो रह जाएगी बिकॉज़ यहाँ पर गेट सिग्नल शॉर्ट थे। ठीक है, यहाँ पर पिक्सल्स जले हुए हैं वो। ठीक है, तो वो लाइन के अलावा पूरी पिक्चर कम्प्लीट बनेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें टोटल 12 कॉफ थी जिसमें से पैनल की जो इस 6 कॉफ की साइड में लास्ट में से गेट लाइंस अंदर जाने के बाद HC1 और HC3 शॉर्ट थी। HC1 और HC3 के बीच में जो कि ये दोनों जगह पे आ रहा था। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वहाँ पे ये शॉर्टिंग थी और ये पिक्चर कंप्लीट है।